मैं इनको एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिली थी। एंड टू बिगिन विथ आई वुड लाइक टू से कि मैं खुद एक न्यूकमर थी। जब मुझे एक किसी ने प्लेटफॉर्म दिया था, एक ब्रेक दिया था, मेरा प्राइमरी रीज़न इसको सपोर्ट करने का ये है कि आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, आप बहुत काबिल हो सकते हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के बिना आप कुछ भी नहीं हो। सो आई थिंक किसी को प्लेटफॉर्म देना एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप है, क्योंकि वो स्टेप के बिना हम अपना टैलेंट किसी को दिखाई नहीं सकते। तो कभी किसी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया था, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल जिन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। एंड आज मेरी सहेली एंड समबडी आई लुक अप टू इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू नॉट वन पर्सन बट टू मल्टीपल पीपल। और एक चीज़ में नहीं, पूरा एक यू नो फ्रॉम डिजाइनिंग टू ग्रूमिंग टू बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सो आई डोंट थिंक यू नो कोई इतना यू नो दिल से जो चीज़ों के पीछे वो खुद भागना चाहते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के यू नो किसी और को प्लेटफॉर्म देने का सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट हर। मैं इनका साथ क्यों दे रही हूँ? मैं खुद एक बहुत ही छोटी सी जगह से आती हूँ, अहरौरा, जिसका शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होता। बनारस का नाम सब लोग जानते हैं, बट ये कुछ बनारस से बहुत इंटीरियर पे है। और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, जहाँ पे हमें लाइट्स नहीं मिलती थी, लेकिन वहाँ पे मैंने सपने देखे कि मुझे एक जगह पे पहुँचना है। तो जब हम सपने देखते हैं तो हमें रास्ता भी मिलता है। और जब आराध्या जी ने ये चीज़ शेयर किया कि वो न्यू कमर्स को, छोटी जगह से आने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हैं, तो मुझे लगा, मुझे मेरे दिन याद आए और मुझे लगा कि मुझे इसे ज़रूर जुड़ना चाहिए और नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और रास्ता मिलना चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए एक सही जगह पर पहुँचने के लिए। हम अपनी तरफ से कोई अच्छा करेंगे, हम रही किसी, बात स्वच्छ भारत की, तो हाँ अगर मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, हम अब्रॉड गए थे घूमने के लिए, जहाँ हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे, कहीं कुछ नहीं देखना, कहीं कुछ नहीं थूकना आदि आदि। मैं और मेरे दोस्त के साथ में वापस इंडिया आए और गाड़ी निकाल के एयरपोर्ट से, जैसे ही हम गोरेगांव वाले फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लेने लग गए स्टेशन की तरफ, मेरे दोस्त ने खिड़की के बाहर थूका। आई वाज लाइक, व्हाट आर यू Yes, because it's India. इट्स ओके। तो मुझे बहुत झटका लगा, मतलब वहां चूंकि आपको डर था कि आपको दंड, आप दंडित होंगे, इसलिए आप बाहर की जगह जाके बड़ी साफ सफाई बरता आपने, लेकिन अपने देश में आने के बाद पहला काम आप करते हो, आप थूकते हो। अपनी देश, अपनी जगह की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, जिससे मुझे सख्त प्रॉब्लम है। और मैं ज्यादातर सवाल, लोग करते हैं। हाँ, मैं एक सवाल पूछूंगी। महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन है और उस पे जुर्माना है, आप में से इतने लोग बताइए कि कौन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करता? ये बताओ, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां बंद करो, जो भी यूज कर रहे हैं उसको पेनल्टी लगाओ, सारे यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप सबको एकदम नहीं, बट दैट इज नो 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 वन सेकंड, सॉरी 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 नो, प्लास्टिक एक्चुअली किसी भी प्रकार का प्लास्टिक हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं खुद आई वर्क विद एनिमल्स, आई वर्क फॉर द एनवायरनमेंट, सो मैं स्पष्ट बता रही हूँ सबको कि प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कुरकुरे का पैकेट ही क्यों ना हो, मत इस्तेमाल करो। घर पे कुछ पका के दे दो बच्चों को भाई खाने के लिए, आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो भाई। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, सरकार क्या, पॉलिटिकल पार्टी की बात, या बीएमसी क्या कर रही है। हमारा मुद्दा हमारा ये मुद्दा है बच्चों कि हम, हमारा वीमेन एम्पावरमेंट कि हम अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपने और अपने जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं, क्योंकि अपने घर परिवार से अलग भी एक दुनिया होती है।